नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा आपके लिए पुनः लेकर आए हैं आश्रम पद्धति के बेस पर क्वेश्चन पेपर। चूंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम होना था वो हो गया आपका जीआईसी का एग्ज़ाम, और जीआईसी के एग्ज़ाम की बहुत अच्छी खूबी थी कि 95% क्वेश्चन डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी से फंसे थे, जो हमारे नोट से आए थे क्वेश्चन। बकाया यूट्यूब वीडियो आप लोगों ने देखा है, हर एक वीडियो से एक नए क्वेश्चन फंसा था। जैसे कि आप लोग डाइजेशन के सारे वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन फंसे थे। आप इकोनॉमिक बॉटनी का देखेंगे उसमें से एक क्वेश्चन फंसा था, और इसी तरह आप एम्ब्रियोलॉजिक देखेंगे 2-3 क्वेश्चन, मतलब जितने भी वीडियो से सबसे एक दो क्वेश्चन फंसे थे। इस प्रकार 95% क्वेश्चन हमारे यूट्यूब और नोट्स प्रैक्टिस सेट से फंसा था। आपको हम दिखा भी दें, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, ढेर सारे सदस्य ऐसा होगा जिनका सब मेंस में पहुंच जाएंगे, और तो हम उनके कुछ कमेंट्स भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये कुछ कमेंट्स हैं, देखिए ये इन्होंने लिखा है, अब चल नहीं रहा है सर। थैंक यू, जीआईसी में आपके प्रैक्टिस सेट ने इज्जत बचा ली। आपके दिए क्वेश्चन से लगभग 95% सब्जेक्ट का मैटर मिला था, राइट? मुझे लगता है 99% बायो सर के नोट्स एंड प्रैक्टिस मैच किया है। थैंक यू सर, सर थैंक्स। ये देखिए इस तरह के मैसेज हमारे पास, ढेर सारे मित्र जो परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने 299 की मेंबरशिप ली थी, उन लोगों ने कमेंट्स किए और इस तरह से क्वेश्चन आए थे। सर क्वेश्चन सब आपके नोट्स से थे, प्रैक्टिस से बहुत से क्वेश्चन मिले हैं। यस यस सर, आपका ही प्रैक्टिस सेट जैसा फील हो रहा था। तो इस तरह से ढेर सारे लोगों ने कमेंट्स किया, और मैंने फिर कहा कि मेरे पास वीडियो हम कम देते हैं क्योंकि समय बहुत कम रहता है, मगर जो भी चीज़ें आती हैं सॉलिड आती हैं, हम एक्स्ट्रा मैटर आपको नहीं देते हैं। इस तरीके से लगभग 95% क्वेश्चन पूरे उससे फंसे थे, और हम उससे ज़्यादा। इसी प्रकार टीजीटी पीजीटी में भी आपको हमने एग्जांपल दिया था। और दूसरी चीज़, आप सारे लोग जो लोग हमसे पहले से यूट्यूब से जुड़े हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप एग्ज़ाम का पेपर उठा लीजिएगा और वीडियो उठा लीजिएगा। कहते हैं कि जो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है, वीडियो आपके पास है यूट्यूब पर और पेपर आपके पास है, आप मैच करा सकते हैं वीडियो को देख के, तो आप खुद पता चल जाएगा। ऐसे मैं कहूँ कि इतना परसेंट कोई मैटर नहीं रखता। तो इस तरीके से आप हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं, और आप यहाँ केवल परिवार की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा। ये कोचिंग संस्थान नहीं है, ये एक फैमिली मेंबर्स की तरह सबका ट्रीटमेंट होता है। आप एक परिवार के सदस्य बनने के बाद आपकी सारी मदद की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? कह रहा है मैच करेक्टली द एनिमल विद दियर लार्वल फॉर्म, सही जंतु और उनके लार्वा के जोड़े का सही मेल करें। तो ये सारे कई सारे दिए हुए हैं, और उसने कहा है कि इनको कृपया मैच करें। कौन किससे मैच कर रहा है? तो चलिए भाई आप लोग मैच करिए, क्या क्या आपको दिखा रहा है इसमें, किसका आंसर क्या सही होगा। तो चलो हम लोग मैच करा लेते हैं। इनमें से जो पेलीन्यूरस है, ये जो पेलीन्यूरस है ये किससे मैच करेगा? तो फिल्लोसोमा से करेगा। किससे करेगा? फिल्लोसोमा से। तो इसको हम इससे मैच करा देते हैं, बी से। और दूसरा वाला है इस्कुल्ला, तो इस्कुल्ला किससे मैच करेगा? तो इस्कुल्ला मैच करेगा एलाइमा से, तो इसको इससे मैच कराते हैं। स्टारियस का, स्टारियस का मतलब स्टार फिश से संबंधित है, तो ये किससे मैच करेगा? तो बाई पिनेरिया लार्वा से करेगा। टीनिया क्या है? हेक्साकैन लार्वा से। ऑरिलिया इफायरा लार्वा, तो इनका ये प्राय क्रम होगा मैच कराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज कार्ड एज ट्रिपल वैक्सीन, ये आपको बता दिया था, डीपीडी हमने बताया था, तो ये तो हो गया था, चर्चा हो गई थी इसकी। अब ये क्वेश्चन आता है डॉट्स क्या है, ये डॉट्स क्या है? तो डॉट्स एक प्रोग्राम होता है ट्रीटमेंट्स का, टीबी का। किसका होता है? टीबी, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसे हम लोग क्षय रोग के नाम से जानते हैं, क्षय रोग के नाम से जानते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसका जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम होता है, माइकोबैक्टीरियम होता है, ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि किसको इफेक्टेड करता है? प्रायः हमारे लंग्स को इफेक्टेड करता है। क्या करता है? लंग्स को इफेक्टेड करता है। उसके बाद ये पॉइजनस सबस्टेंस छोड़ता है, जिससे क्या होता है? खांसी और फीवर आता है। तो इसके ट्रीटमेंट्स के लिए हरदम जो मेडिसिन दी जाती है वो 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ या फिर 9 मंथ्स या फिर 12 मंथ, इस तरह से दी जाती है। इसका कोर्स कहा जाता है कि बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, खाना खाना भूल जाइए, मगर इसका कोर्स जो है उसकी दवा आपको प्रॉपर लेनी है। अगर आप बंद कर देते हैं तो इसका जो बैक्टीरिया है वो क्या रेजिस्टेंस हो जाता है दवाओं के प्रति, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है।
हो सकता है कभी इसका डॉट्स का फुल फॉर्म भी पूछ दे, तो उसको भी आप देख ले सकते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड, डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये है इसका फुल फॉर्म डॉट्स का। और इसको 1993 में भारत सरकार ने लॉन्च किया था। और इसका जो टीवी की जांच होती है, हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ दे, ये क्वेश्चन उसमें आया, डीएसएसबी में आया है, डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी जांच को क्या बोलते हैं, तो माउंटेक्स टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो टेस्ट का नाम है माउंटे माउंटेक्स टेस्ट होता है, उससे इसकी जांच होती है टीवी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कैंसर ऑफ मेमेरी ग्लैंड इज कॉल्ड, मेमेरी ग्लैंड का मतलब होता है जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, स्तन, क्या बोलेंगे, स्तन जो ग्रंथियां होती हैं, उन स्तन ग्रंथियों में जो कैंसर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो स्तन ग्रंथियों में जो कैंसर होता है उसको कार्सिनोमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्सिनोमस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या करेंगे, ए करेंगे, कार्सिनोमस के नाम से जानते हैं। और जो हड्डियों का कैंसर होता है, यानी जो बोन्स का और लिम्फ का कैंसर होता है, उसे हम सार्कोमा बोलते हैं। किसका, बोन एंड लिम्फ का जो कैंसर होता है उसको हम सार्कोमस के नाम से या सार्कोमा के नाम से जानते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ल्यूकेमिया, ल्यूकेमियस क्या बोलते हैं, जो WBC से संबंधित कैंसर होता है उसको ल्यूकेमियस के नाम से जानते हैं, जिसे ल्यूकेमिया के भी नाम से जानते हैं। तो ये कैंसर्स के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्टिब्रेट टिश्यूज वुड बी एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैलोजन, इनमें से वो कौन सा है जो कैलोजन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो कैलोजन का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो टेंडन जो होते हैं, वो कैलोजन के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। कौन, टेंडन जो होते हैं वो कैलोजन के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो ऑप्शन इसका हम लगा लेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ए सी वाटर फिश कंपेयर टू द फ्रेश वाटर फिश फेसेस लेस ड्रैग ड्यूरिंग स्विमिंग बिकॉज, मीठे जल की मछली की तुलना में समुद्री मछली को तैरने के दौरान कम घर्षण होगा वैसे का सामना करना पड़ता है। तो वो करना इसलिए कम पड़ता है कि वो रीज़न कौन से है, तो वो रीज़न ये है कि जो सी वाटर होता है, जो समुद्र का जल होता है, उसमें मोर डेंस देन द फ्रेश वाटर, मीठे जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व तो अधिक होता है। तो ऑप्शन बी लगा देंगे, इसका सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लो रीजनरेशन कैपेसिटी, रीजनरेशन हमने बताया था पुनरुद्ध भवन के नाम से जानते हैं, यानी कोई अगर बॉडी का हिस्सा आपका लॉस हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। रीजनरेट का मतलब क्या होता है, पुनः बन जाता है, पुनः बन जाता है। तो पुनः जब बन जाता है, तो ये वैसे हमने बताया था कि रावण में क्या था, सर कट जाता था तो नया सर निकल आता था, ये रीजनरेशन पावर कहती है। छिपकलियों में आपने देखा होगा पूंछ टूट कर गिर जाती है, उसकी जगह नई पूंछ आ जाती है, इसको क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। हमारी स्किन में भी रीजनरेशन होती है, बहुत भयंकर नहीं, मतलब थोड़ी होती है, अगर कहीं कट जाता है, घाव हो जाता है, तो ऑटोमेटिक वो वैसे ही हो जाती है। तो रीजनरेशन देखने को मिलती है। तो प्राय जो इंडो पैरासाइट है इनमें पाई जाती है, प्लेनेरिया में तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ट्यूनिकेट्स में पाई जाती, मगर निम्न में से किस में क्षमता न्यून होती है, सबसे कम, तो पॉलीकीटा में प्राय क्षमता सबसे कम पाई जाती है। क्या होती है, सबसे कम क्षमता पाई जाती है पॉलीकीटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लो रीजनरेशन कैपेसिटी, तो ये तो हमने आपको बता दिया है, क्वेश्चन दो बार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है सटल, जो सटल वेक्टर रिफर टू द, सटल वेक्टर रिफर टू द, तो सटल वेक्टर होता क्या है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें कि जो सटल वेक्टर होता है उसमें क्या होता है कि इसमें दोनों कंडीशंस होती हैं। यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है, ध्यान रखिएगा, जो यूकैरियोटिक सेल प्लस ई कोलाई, ध्यान रखिएगा, इन दोनों की करेक्टर्स इसमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के वेक्टर्स को हम सेटल वेक्टर्स के नाम से जानते हैं। इसका अच्छा सा जो एग्जाम्पल है वो ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिट है। क्या है, ईस्ट
ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिट है, एपी सोमल प्लाज्मिट इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है, प्लाज्मिट ध्यान रखिएगा। और जो मोस्ट यूकैरियोटिक जो वेक्टर हैं, जो मोस्ट यानी ज़्यादातर यूकैरियोटिक जो वेक्टर हैं वो सारे सेटल वेक्टर हैं। क्या हैं? वो सारे सेटल वेक्टर हैं। तो इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पर। सेटल वेक्टर्स की तो बात हो गई, अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सेटल वेक्टर होते क्या हैं? तो कहते हैं, इसमें कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिट इन टू और मोर डिफरेंट स्पीसीज। तो यहाँ हमने क्या बताया था, एक तो यूकैरियोट क्या था, यूकैरियोटिक का मैटर था, और एक था इकोलाई का, यहाँ ये था। तो ऑप्शन हम इसका डी सही कर देंगे। हम इसके अलावा आप किस प्रकार से ज्वाइन हो सकते हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी पर, तो इसकी जानकारी आपको दे दें। आपको करना क्या है, आप डॉक्टर नोट्स परिवार के जो सदस्य बनना है, चूंकि ELT और KVS इसके अलावा TGT इसको टारगेट करके नए बैच बना दिए गए हैं और ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है। तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसे ही आप डालेंगे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी तो ऐप आ जाएगा, और उसको ओपन करेंगे तो यहाँ साइन अप आएगा, साइन अप करना है। साइन अप के बाद आप नाम, ईमेल और ये डालना है, उसके बाद ये तुरंत आपको इस तरह इनरोलमेंट ID और पासवर्ड दे देगा। खोलेंगे तो इस तरह से वहाँ परचेस कोर्स आएगा, एक 499 का आएगा, जिसमें आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, GS और डिस्कशन और सारे नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएगा। और एक जो आएगा 899 का आएगा प्लान, जिसमें आपको सारे वीडियो आएंगे, लेक्चर आएंगे आपके टॉपिक्स के, और नोट्स, प्रैक्टिस सेट, GS नोट्स ये सब भी रहेगा। तो इस तरह ये 899 का रहेगा। बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ये फेस खुल जाएगा, यहाँ आपको वीडियो के अंतर्गत लेक्चर वीडियो में सारे वीडियो मिलेंगे, लिंक में सारे नोट्स और जो प्रैक्टिस सेट हैं सबके लिंक अवेलेबल रहेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको वहाँ सारे ग्रुपों से ऐड हो जाएंगे, प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, यहाँ पेमेंट डिटेल आपको मिलेगी। इसके अलावा ये प्लानों के साथ साथ अगर आप वहाँ पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम में जो भी 499 या अथवा 899 का यहाँ पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। उसके साथ अपनी लॉगिन ID भेजना पड़ेगा, ईमेल जो रजिस्टर्ड की वो मोबाइल नंबर भेजना पड़ेगा, तो हम यहाँ से आपको ऐड कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ इम्यूनिटी, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरक्षा का प्रकार है। प्रतिरक्षा क्या होता है, प्रतिरक्षा का मतलब होता है बॉडी की वो पावर जिससे बॉडी क्या करती है, बाह्य रोगों से लड़ने की क्षमता देती है या बाह्य रोगों को ना होने से रोकती है। तो इसमें क्या होती है, एक तो वंशानुगत होती है। देखिए जिनमें जिन परिवारों में लोग ज़्यादा बीमार होंगे तो सिंपल सी बात है उनकी आने वाली संतानें भी ज़्यादा बीमार रहेंगी। जहाँ बच्चे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे वहाँ के बच्चे भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। देख लीजिएगा जो हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ का जो जीनेटिकल है वहाँ ऐसा है कि वहाँ के लोग हट्टे कट्टे और ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसीलिए देखना जो जितने भी मेडल्स इस तरह के आते हैं तो इसी तरफ के लोगों के आते हैं। तो उसका कारण है जीनेटिकल इफेक्ट है उनमें, कि मतलब उनके जो जीन्स हैं वो उतने स्ट्रांग हैं। और दूसरा आता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो उपार्जित की जाती है। जैसे उपार्जित में हम कैसे कर रहे हैं, जैसे हमें कोविड का जो कोविड वैक्सीन लगी तो इससे क्या होगा, हमें एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, उपार्जित हो जाएगी, जो कोविड का वायरस है उसको निष्प्रभावी कर देगी हमारी बॉडी। तो ये तो इसमें बोथ आएगा, बोथ द एबव दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फॉर ए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विशिष्ट एंटीबॉडी होती है एकल प्रतिजन के लिए, एकल एपिटोप, एकल अणु के लिए, एकल कोशिका के लिए। तो आएगा सिंगल एंटीजन के लिए, किसके आएगा, सिंगल एंटीजन के लिए। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती क्या है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं आपसे, तो इसके बारे में जानकारी ले लें। क्वेश्चन बना था ELT में भी इसका क्वेश्चन बना था। तो मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी जो होती मिलिस्टन और कोहलर ने दिया था, किसने दिया था, मिलिस्टन और कोहलर ने बोलेंगे, मिलिस्टन एंड कोहलर बोलते हैं, कोहलर ने दिया था। ये दोनों कैम्ब्रिज इंग्लैंड में डेवलप किया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये ठीक है, इसे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, टेक्नोलॉजी के भी नाम से जानते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। इससे प्राप्त क्या किया जाता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से, तो ये प्राप्त किया जाता है मोनो
क्लोनल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज। तो देखिए एंटीबॉडीज काम किसके प्रति करती है, किसके खिलाफ करती है, तो एंटीजन के प्रति करती है। किसके? एंटीजन। तो इस हिसाब से क्वेश्चन कौन सही होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या सही होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कुछ आपको दिया हुआ है कि मैच लिस्ट जो फर्स्ट और सेकंड है उनमें हमें मैच कराना है, तो किसमें क्या सही होगा ये आंसर देखना है हमें, तो करा लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो दिया है पिलीडियम। पिलीडियम किससे संबंधित है? तो निर्मिटीन से संबंधित है, तो पिलीडियम को लगा लेंगे, निर्मिटीन। और दूसरा प्लानुला किससे संबंधित है? तो प्लानुला जो लार्वा है वो सीलेंट्रेट से संबंधित है। और जो पैरन कैमुला लार्वा है वो किससे संबंधित है? तो पैरन कैमुला स्पंज से संबंधित है। और जो प्रोटो जोइया जो लार्वा है वो क्रस्टेशिया से संबंधित है। किससे? क्रस्टेशियन से। मेटा जोइया, प्रोटो जोइया, इस तरह से ये, तो ये आप क्रम यहाँ से देख सकते हैं, हमने वहाँ मैच करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नया क्वेश्चन कह रहा है मोर और लेस सर्कुलर और हॉर्सू शेप्ड कोरल रीफ पार्शियली और होली इनक्लोजिंग ए सेंट्रल लैगून इज कॉल्ड। तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसको हम एटॉल के नाम से जानते हैं। ये कोरल रीफ पर जब आप पढ़ेंगे सीलेंट्रेट वहाँ देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये आपको ढेर सारे ऑप्शन दिया है, तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, यही पूछ रहा ना, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से सुमेलित ये वाला डी वाला नहीं है। ये किसका संबंधित है? जो कोलवेस्किया है ये आर्थ्रोपोड से संबंधित है। किससे? आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, जबकि यहाँ इकाइनोडर्मेटा दिया है जो कि गलत है। जो प्लेनेरिया है वो टर्बिलेरिया संबंधित है। प्रोटोस्पोरेंजिया जो है प्रोटोजोवन से संबंधित है। प्रोटोजोस्पोरेंजिया है वो किससे किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है? तो ये स्पंज एंड प्रोटोजोआ, इन दोनों के बीच की कड़ी है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच की कड़ी है। सिस्टोजोसोमा है वो ट्रिमेटोडा का सदस्य है, मगर ये जो डी है तो ऑप्शन इसका डी वाला मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ मैच हमें कराना है लिस्ट से, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ लिखेंगे सेकेंड, मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकेंड से हमें मैच कराना है, ये सेकेंड है करना है, तो देख लेते हैं। सेलेक क्या है? तो जो लाख प्राप्त की जाती है, लाख लाख की क्या बनती है? चूड़ियाँ बनती हैं। क्या बनती हैं? चूड़ियाँ बनती हैं लाख की। लाख के उससे क्या होते हैं? सील वगैरह लगाई जाती है, कापियाँ वगैरह जो विभिन्न प्रकार के सामान बनते हैं, तो वो लाख से बनते हैं। तो लाइसिफर लक्का से प्राप्त किया जाता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, लाइसिफर लक्का किसका नाम है? तो लाइसिफर जो लक्का है वो लाख के कीट का नाम है, तो ये मिला लेंगे। पर्ल किससे प्राप्त होता है? पर्ल का मतलब होता है मोती। मोती किससे प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन बहुत पीजीटी में पूछते हैं। तो मोती प्राप्त होता है पिनकडाडा वल्गेरिस से, पिनकडाडा वल्गेरिस से प्राप्त होता है। और यहाँ एक और ऑप्शन दिया रहता है पिनकडाडा इंडिका, तो लोग अक्सर इंडिका देखते हैं, इंडिया है तो वो सही कराते हैं, जबकि नहीं, सही ऑप्शन क्या है? पिनकडाडा वल्गेरिस। अच्छा, ये दोनों मिल गए। अब उसके बाद क्या आता है? इसिन ग्लास और आता है प्रोपोलिस, ये दोनों किससे संबंधित हैं? तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। मिला भी, ये दोनों थोड़े से अलग हैं जो समझने में आपको दिक्कत होगी। तो इसमें से प्रोपोलिस जो है वो एपिस से संबंधित है। किससे? प्रोपोलिस जो है वो एपिस से संबंधित होगा, बचाइए तो इसको इससे कर देंगे। अब आप यहाँ आप छांट आप लीजिएगा। एन इम्पॉर्टेंस पॉलीमर ऑफ द सेल वॉल इज ऑफ बैक्टीरिया इज, कौन सा पॉलीमर है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल बनाता है? तो वो है पेप्टिडो ग्लाइकॉन। कौन सा है? पेप्टिडो जो ग्लाइकॉन है वो इसके अंतर्गत आता है। क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है पेप्टिडो ग्लाइकॉन। आप सबने देखा होगा जब आप बुक्स में पढ़ते हैं, तो ये आपको कई बार क्वेश्चन मिला होगा पेप्टिडो ग्लाइकॉन से। तो 90 का जो हम आंसर आपको बताए हैं वो ऑप्शन आएगा बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अच्छा, एक चीज और देख लीजिएगा, जो पेप्टिडो ग्लाइकॉन है ये बना किसका होता है? पेप्टिडो ग्लाइकॉन, एक क्वेश्चन बना था पीसीएस में बना था, इसलिए अभी ध्यान आया कि पेप्टिडो ग्लाइकॉन जो प्रायः बना होता है एन एस्टिल ग्लूकोसामिन, एन एसिटिल
ग्लूकोसा मीन का बना होता है, और इसकी जो दूसरी संरचना होती है नैम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, नैम, जिसका फुल फॉर्म होता है यन एस्टिल म्यूमेरिक एसिड, यन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड, इनसे बना होता है पेप्टिडो ग्लाइकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन कह रहा है द स्टडी और जीनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड, ह्यूमन रेस का जो जीनेटिक होता है वो जो इम्प्रूव होता है उसको क्या बोलते हैं, तो यूजेनिक्स बोलते हैं। क्या बनते हैं, यूजेनिक्स, आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में इसको, यूजेनिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 74 क्वेश्चन आ गया है। हाँ चलो देख लेते हैं, हमें लगता है हमने अरेंज करने में या जिसने भी अरेंज करवाया है उसने गड़बड़ कर दिया, आगे पीछे क्वेश्चन कर दिए हैं, तो कोई मैटर नहीं है, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन बिटवीन प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम्स क्या होता है, जो ब्लास्टोस्पोर्स होता है जब माउथ बन जाता है पहले तो उसको हम प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं। ड्यूटेरोस्टोम्स का मतलब होता है एनस पहले बनता है, क्या बनता है, एनस पहले बनता है, जैसे कि मैमल्स में आप देखते हैं तो ये एनस पहले बनता है। तो यहाँ कह रहा है कि इनमें फॉलोइंग फीचर्स कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन्स की बात कर रहा है, तो प्रेजेंस ऑफ ये आएगा, प्रेजेंस ऑफ इंक्लूड द इनवर्टिब्रेट एक्सोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन सी कर देंगे, प्रेजेंस ऑफ मेजेंट्री तो ऑप्शन कर देंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन है। प्रोटीन बायोसिंथेसिस रिक्वायर्स, प्रोटीन के बायोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर्स है, तो एम आर ने बिल्कुल सही है, जैसे कि आपने इस तरह देखा होगा तो ये हमें क्या रखता है, एम आर ने रहता है, ये है राइबोसोम, राइबोसोम, इसके अलावा टीआरएनए की जरूरत पड़ती है इसको पढ़ने के लिए, ठीक है, तो एमआरएनए राइबोसोम तो हो गए, चूंकि ऊर्जा की जरूरत भी पड़ती है, एटीपी पेप्टाइडल ट्रांसफरेस की भी जरूरत पड़ती है, तो इस तरीके से तो ऑप्शन यहाँ कर देंगे, ऑल फोर इज आर करेक्ट, सभी इसमें करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 78 में, 78 में क्या कह रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड को मैच कराना है, और देखिएगा जीआईसी में मैच कराने वाले कई क्वेश्चन आए थे, तो देख लेते हैं। यूनियो किसका है, मोलस्का का सदस्य है, कहीं दिख रहा है, हाँ, और एस्केरिस किसका सदस्य है, निमेटोडा का है, और एस्टारियाज जिसे हम स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा का है, और इलिया किसका है, सिलेंट्रेट का, तो ये इनका क्रम है, तो आप इनके हिसाब से इनमें आप टिक कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ हम मैच नहीं कराएंगे, यहाँ आपको मैच करा के हमने बता दिया है, तो ये आज के लिए क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे, और इसके साथ जो आपको डिटेल दी जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ नमस्कार।